वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टू की। तो आज मैं बूटस्ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ। तो बूटस्ट्रैप क्या है? तो बूटस्ट्रैप लगता है वेब डिजाइन। तो बूटस्ट्रैप के लिए फर्स्ट हमें जाना पड़ेगा गेट bootstrap.com। ठीक है, आप यहाँ से एक फाइल मिलेगा बूटस्ट्रैप वाला, तो इसको पहले डाउनलोड कर ले। तो इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप सीखने के लिए आपको पहले CSS का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। अगर आप चाहे तो इस लिंक से आप डाउनलोड मतलब लिंक से डाउनलोड कर मतलब देख लीजिए CSS कैसे करते हैं, उसका ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैं फर्स्ट बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर पर। तो हम लोग डाउनलोड करेंगे पहला वाला कंप्लीट हो तो मैंने प्रेस किया। बस में इसके साथ तो आपको जावा स्क्रिप्ट और फॉन्ट वगैरह समझ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको स्ट्रैक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैंने कर लिया। तो दिस इज आवर फर्स्ट बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। सो मैं फर्स्ट आज बताने वाला हूँ बूटस्ट्रैप से कैसे काम करते हैं। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग इस पेज जो अभी मतलब स्टैटिक है, मतलब रेस्पॉन्सिव नहीं है, जो मतलब बूस्टर ऐप से हो पता है रेस्पॉन्सिव हो नहीं है। तो देखिए, मैं जब इसको मोबाइल वर्जन पे ले रहा हूँ, साइट छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बूस्टर ऐप से मतलब रेस्पॉन्सिव करने वाले हैं, क्योंकि मोबाइल यूज़र या टैब यूज़र सब अपने सही से देख पाए। तो इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको हम बूस्टर ऐप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ बूस्टर ऐप कैसे काम करता है। तो इस पेज को मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग अभी जानते हैं, मतलब आप लोगों को पता है HTML एंड CSS में टेबल से कैसे डिज़ाइन करते हैं। टेबल HTML टेबल, हाँ। तो टेबल से मतलब एक रो, एक टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा, एक और रो और एक टेबल डेटा एक है, सॉरी मतलब ए वाला एक और ए वाला एक, और ये तो लिस्ट से है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर मतलब बूटस्ट्रैप पे हम लोगों को टेबल का नॉलेज ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या मिला स्ट्रैक करके, हम लोगों ने क्या क्या मिला बूटस्ट्रैप फाइल में, CSS बूटस्ट्रैप का फॉन्ट एंड जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप में जो यूज़ करते हैं। तो मैं एक नया पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट किया था उसका फाइल्स कॉपी करके आते हैं। ठीक है, तो ले आए। अब हम लोगों को एक HTML पेज बनाना है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रीनेम करके यूज करेंगे। अब इसको नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकते हैं। तो कुछ कंप्यूटर में एक्सटेंशन नहीं दिखा था, वो मैं आप मतलब एक्सटेंशन दिखने के लिए आप ए ट्यूटोरियल देख लीजिए नीचे कमेंट पे जो है, तो या यहाँ पर है, तो इसे देख लीजिए कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों को देखना है टेबल कैसे यूज़ होता है बूटस्ट्रैप पे। उसके बाद में ज़रा सा इसको लिंक करूँगा अपने नोट प्लस 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 प्लस, आपको पता है कहाँ से मिल सकता है, गूगल पे सर्च करने से ही मिल जाएगा। ओके, तो
मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें, मैं कोडिंग करने वाला हूँ। उसके पहले थोड़ा सा टेबल के बारे में बता देता हूँ। तो दिस इज़ द बेसिक टेम्पल ऑफ बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको पहले कॉपी कर ले पीछे, पूरा का पूरा पेस्ट कर दीजिए। और एक डायरेक्ट यूज़ का, और यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इसको आप चाहे तो मतलब ये तो मतलब वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक है, आप इसको हटा के इस फोल्डर वाला JS यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओके, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। मेटा भी हटा देता हूँ। ओके, तो बाकी सब बाद में हटा रहा हूँ। ओके ओके, ये हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है, एचटीएमएल, ठीक। ओके, तो इसको सेव करते हैं। हम इस पेज को देखते हैं कैसा है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, तो टेबल के बारे में जो बोल रहे थे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल है, मतलब एचटीएमएल पेज का जो कैसे क्रिएट करना है वगैरह वगैरह, तो आप इस एग्जांपल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा बूटस्ट्रैप से टेबल से कैसे काम करते हैं। तो बूटस्ट्रैप कहाँ का सपोर्ट करता है, क्रोम पे सपोर्ट करता है, बट अभी भी बूटस्ट्रैप यूसी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता मोबाइल यूज़र के लिए, जो बिल्कुल बुरा है, क्योंकि बहुत यूज़र यूसी यूज़ करते हैं यूसी ब्राउज़र। ओके, विंडोज़, मोज़िला, मैक, OS लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं टेबल के बारे में जो बात था, CSS पे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे बूटस्ट्रैप का मतलब हॉरिजेंटल जो टेबल रो है उसको साइज कैसे ठीक करते हैं। तो ये आता है 12 रॉ या मतलब डेटा से आता है, मतलब आपका अब ये चाहे तो एक करके दे सकते हैं, वन तो ऐसा छोटा आएगा, ठीक है। कॉलम्स के लिए आप अगर 8 देंगे तो इतना आएगा। तो अगर सोचिए हमको इसका कॉलम बनाना है तो 8 या 8 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो पहले इसको टेबल कॉलम मतलब टेबल कॉलम नहीं आप इसको बोल सकते हैं, तो इसको पहले ठीक से जानना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर जो देख सकते हैं 3 पिक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने अपने पेज पे लाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉलम 4 यूज़ करूँगा। तो दिखाता हूँ कैसे, मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखिए स्पेस कितना हुआ, बिल्कुल पहले वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला स्पेस हो गया खुद से, ठीक है। इसको बोलते हैं रो मीन्स ए रो मतलब टेबल का जो रो होता है ना, याद है ना, टेबल में रो होता था, रो 1, रो 2, उसके बाद उसके अंदर टेबल डेटा। तो सोच लीजिए यही टेबल डेटा है, ठीक है। तो इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन MD, और इसका साइज जो जितना देना चाहते हैं उसका स्पेस ही लेगा। अगर इसको मैं हटा के अभी यहाँ पर कुछ, ठीक है, मैं अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर ऐसा ही इमेज दे देता हूँ 3, ठीक है। तो अपने आपको समझने में आसानी होगी। तो मुझे इमेज वाला रिसोर्स चाहिए पहले, तो इसके लिए कहाँ पर गया, हाँ वेट, ठीक है, इमेज कॉपी कर लिया।
तो एक कौन सा साइज था, कितना 290, ओके ये वाला, इसको कॉपी करके इमेज फोल्डर के अंदर है, लेकिन डेमो के अंदर बहुत पीछे है, तो इसमें ये अपन लेकर आ गया, जिप फॉर्मेट में है। ओके तो इमेज रिसोर्स का कोडिंग तो पता है ना, इमेज नेम, अब इमेज का लोकेशन इमेज फोल्डर के अंदर है, और उसका नाम नेम क्या था, ओके तो इमेज आ गया। बाद में हम लोगों को इसका स्पेस और पैडिंग ठीक करने वाले हैं, तो अगर जब हम लोग स्टैटिक पेज को, मतलब इस एचटीएमएल और सीएसएस स्पेस को छोटे करते थे ना, तो ये बिल्कुल नहीं हटता था, मतलब एक साथ नहीं आता था, ठीक है, पास में पास में आता। लेकिन जब हम लोग इसको बूस्ट रैप पे करें, देखिए जब हम इसको, अगर सोचिए टैब वर्शन है तो ऐसे नीचे आ जाएगा, या फिर अगर मोबाइल वर्शन है तो भी नीचे आ जाएगा, तो इससे यूज़र के मोबाइल, मतलब मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब रेस्पॉन्सिव हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को पहले कॉलम, मतलब जैसा टेबल डाटा था उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा, स्टैक एंड हॉरिजॉन्टल, इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। इसके साथ और एक चीज़ आता है, उसको बोलते हैं ऑफसाइट, तो ऑफसाइट के बारे में बाद में बताने वाला हूँ, जिससे मतलब इस साइट से स्पेस लेने वाले हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को बोलते हैं फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स कैसे पता है, एक मिनट सोचने दीजिए। हाँ तो मतलब फ्रेमवर्क मीन्स अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कुछ चेंजिंग करना है, मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ठीक है, सोच लीजिए साइट का बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, या फिर सीएसएस का कुछ कोडिंग वगैरह करना है, ठीक, तो उसके लिए पहले हम लोग एक सी एस एस फोल्डर के अंदर एक और सी एस एस स्टाइल शीट बनाएंगे, ठीक है, उसका नाम देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस बूटस्ट्रैप वाले को एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लाइन है, मतलब क्या बोले, 7,000 से ऊपर भी लाइन है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेमवर्क करने के लिए एक अलग से सी एस एस क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो काम करेंगे फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क के लिए हम लोग अगर खुद से चाहे तो कुछ डीव आईडी या डीव क्लास यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बूटस्ट्रैप के साइट में स्पेसिफाई कर दिया है आपको क्या यूज करना है या क्या यूज नहीं करना है, कि मतलब आप चाहे तो अगर नेव का कोई मतलब नेविगेशन के लिए अगर करना चाहिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो स्पेसिफाई है आप सिर्फ वही यूज़ कर पाएंगे। तो मैं अगर दिखाता हूँ, अगर बॉडी का क्लास चेंज करना है तो ठीक है, तो इसको सी एस एस को लिंक करना पड़ेगा, इसके ऊपर कर लेते हैं, ओके जरूर किया, मैंने शायद कहीं पर गलत किया है, मैं देख एक बार चेक कर लेता हूँ।
सॉरी, मेरा एक काम आ गया था बीच में। ओके, तो मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ आया है या नहीं। ओके, नहीं गया। तो मैंने CSS का फ्रेमवर्क के लिए एक CSS क्रिएट किया था, तो मैंने अब ग्रीन दे दिया है बैकग्राउंड, तो पर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो इसका कारण है कि मैंने मतलब फ्रेम CSS फ्रेमवर्क के लिए जो स्टाइल डॉट CSS किया था उसको मैंने बूटस्ट्रैप के ऊपर दे दिया, तो वो बूटस्ट्रैप के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको बूटस्ट्रैप CSS के नीचे होना चाहिए। ओके, देखिए आ गया, ठीक है बैकग्राउंड पे। तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ ऐसा ही पेज, लेकिन रेस्पॉन्सिव मोबाइल या टैब वर्शन के लिए बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। शुक्रिया देखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।